it's a nightmare. That's it, we'll see you in my view. हाथ जोड़कर रमन सोहेल से माफी मांग रहा है, उसे सब कुछ भुलाने की विनती कर रहा है। इस बार सोहेल पर गुनहगार होने का इल्जाम रमन ने नहीं बल्कि इशिता ने लगाया था, जिसकी वजह से रमन और रूही यहां पर सोहेल से माफी मांगने आए हैं। सब कल आपको जो कुछ हो उसके बाद तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल जायज है। मैं हाथ जोड़कर रमन को मांगता हूं, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि इशिता की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से। इशिता मैम को मुझ पे बहुत ज़्यादा शक है, आजकल उन्हें शक है, पहले रमन सर को होता था, बट उन्होंने मुझसे सॉरी कह दिया, हमारे बीच सब ठीक हो चुका है, बट फाइनली इसी माँ आप थोड़ी नाराज़ हैं, सो हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि वो मान जाए इनकी तरह, ये तो मान ही गई है, मनाओ इसी माँ को। मैं तो मनाई हुई हूँ। सोहेल कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, वरना यूँ आप पर रमन और इशिता को बार बार शक क्यों होता? उही को तो बहुत भरोसा है, अदिति को नहीं है। एग्जैक्टली क्या है, इनको धीरे धीरे गलत लग रहा है, इनको धीरे धीरे बिल्कुल गलत लग रहा है सोहेल एग्जैक्टली क्या है, बट सोहेल बहुत अच्छा लड़का है, इन सबका भला चाहता है, सबको खुश रखना चाहता है। रमन अभी तो आपने माफी मांगकर बात संभाल ली, पर उस पल क्या होगा जब आपके सामने सोहेल की सच्चाई आएगी और ये साबित होगा कि इशिता सही थी और सोहेल गलत। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगता हूँ।